जय भारत, जय गणित। अच्छा, अब समझे यह है स्थानीय मान। अरे स्थान देख लें और स्थानीय मान चेक कर लें भाई। स्थान चाहे लाख का हो, 10,000 का हो, 1,000 का हो, सैकड़े का हो, ढाई का हो, इकाई का हो, उनका स्थानीय मान आगे देख लें भाई। ऐसे अंकित करना स्थानीय मान। अब इसको अप्लाई कर दो भाई। इसे 5 इकाई के स्थान पर आया तो स्थानीय मान 5 रहेगा, 5 एकम 5। अगर 5 ढाई के स्थान पर आया है तो उसका स्थानीय मान 50 हो जाएगा। 5 ढाई 50 ढाई, मतलब स्थानीय मान ढाई का 10 होता है। और अगर 5 सैकड़े के स्थान पर आया है तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500, क्योंकि सैकड़े स्थानीय मान 100 होता है। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500। और 5 अगर 1,000 के स्थान पर आया तो उसका स्थानीय मान 5,000 हो जाएगा। अगर 5 10,000 के स्थान पर आया तो स्थानीय मान 50,000 हो जाएगा। और 5 लाख के स्थान पर आया तो 5 लाख हो जाएगा। तो स्थानीय मान का एप्लीकेशन देख लिया। अगर दी गई संख्याओं में स्थानीय मान निकालें, 725 में 2 का स्थानीय मान कितना है भाई, ढाई के स्थान पर आया 10 से गुणा कर दे 20 हो जाएगा। 6218 में 2 का स्थानीय मान निकालो, 2 सैकड़े के स्थान पर आया 2 को 100 से गुणा कर दो 200 हो जाएगा भाई। 24038 में अंक 3 का स्थानीय मान, 3 ढाई के स्थान पर आया है 10 से गुणा कर दे 30 हो जाएगा भाई। 59167 में अंक 5 का स्थानीय मान, तो 5 10,000 के स्थान पर आया, 5 को 10,000 से गुणा कर दो 50,000 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। और भी देख लें भाई, इकाई के स्थान पर 3 है तो 1 से गुणा कर दी 3 एकम 3। ढाई के स्थान पर 2 है तो ढाई से 10 से गुणा कर दें 20 हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पर 7 है, स्थानीय मान 700 हो जाएगा। और 4,000 के स्थान पर आया तो स्थानीय मान 4,000 हो जाएगा। और 9-10,000 के स्थान पर आया तो स्थानीय मान 90,000 हो जाएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक। जय भारत, जय गणित।